फ्री राशन लेने वाले अपात्र परिवारों में हड़कंप मचा। अपात्र परिवारों पर होगी बुलडोजर नीति जैसी कार्रवाई। अपना राशन कार्ड सरेंडर करो वरना होगी रिकवरी। तहसील डीएसओ कार्यालय में तुरंत सरेंडर करो राशन कार्ड। यूपी में मचा हड़कंप, मुफ्त राशन लेने वालों से होगी अब वसूली। योगी सरकार बुलडोजर नीति जैसी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, अब वैसे ही फ्री राशन लेने वाले अपात्र परिवारों पर कार्रवाई करने का बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार कोविड महामारी के दौरान शुरू की गई मुफ्त राशन योजना का लाभ कई अपात्र परिवार भी उठा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कहा है कि जितने जल्दी हो सके फ्री राशन लेने वाले अपात्र परिवार राशन कार्ड सरेंडर कर दें, वरना रिकवरी होगी और जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील की है। योगी सरकार की इस अपील को अनदेखी करने पर आपको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देना शुरू किया था। सरकार की तरफ से शुरू की गई ये व्यवस्था गरीब परिवारों के लिए अभी तक लागू है, लेकिन इस योजना का फायदा ज्यादातर अपात्र लोग उठा रहे थे, जबकि कई राशन कार्ड धारक इसके योग्य ही नहीं है और वो फ्री राशन का लाभ ले रहे हैं, जिसकी वजह से योजना के पात्र कई राशन कार्ड धारकों को इसका फायदा नहीं मिला। फिर तो सीएम योगी को इसकी सच्चाई मालूम होने पर बुलडोजर नीति जैसी कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। कहा, अधिकारियों के माध्यम से अपात्र लोग तुरंत राशन कार्ड सरेंडर कर दे। अगर कोई अपात्र व्यक्ति राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता है तो जांच के बाद उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या है सरकार के नियम और किन पर होगी बुलडोजर नीति जैसी कार्रवाई? यदि किसी के पास 100 वर्ग मीटर से ज्यादा का प्लॉट, फ्लैट या मकान, चार पहिया गाड़ी या ट्रैक्टर, गांव में हार्वेस्टर, घर में एसी, 5 केवी या ज्यादा क्षमता का जनरेटर, 5 एकड़ से ज्यादा जमीन, 1 से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस, आयकर दाता, ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की आय 2 लाख प्रतिवर्ष और शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष वाले परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं, तो ऐसे लोगों को अपना राशन कार्ड तहसील और डीएसओ कार्यालय में पहुंचकर तुरंत सरेंडर करना होगा। जानकारी के अनुसार यदि राशन कार्ड को सरेंडर नहीं किया गया तो ऐसे लोगों का राशन कार्ड जांच के बाद रद्द कर दिया जाएगा और साथ ही उस परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, जब से वो राशन ले रहा है तब से राशन की वसूली यानी रिकवरी की जाएगी। यूपी में आलम यह है कि पात्र लोगों का राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि पात्र लोग राशन कार्ड को सरेंडर कर दें, जिससे गरीब परिवारों का कार्ड बनाया जा सके। राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने पर ऐसे लोगों के खिलाफ योगी सरकार बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।